वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है ये कवर करेंगे। डेटा टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टेबल किस तरह से बनाया जाता है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए मेरे पास जो है अभी जो डेटा है ये एक लोन अमाउंट है 4 लाख, इसका टेन्योर है 5 ईयर्स और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। लेकिन यहाँ पर जो है पीएमटी का फंक्शन मुझे जो है अप्लाई करना है तो उसको डिवाइडेड बाय 12, मतलब ये मंथली करना होता है, इसलिए यहाँ पर मुझे इसको डिवाइडेड बाय 12 किया हूँ मैं। तो अभी मुझे सबसे पहले तो इसका मतलब जो है ईएमआई जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर जो है पीएमटी फंक्शन को अप्लाई करूँगा। ये मांग रहा है रेट, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा एनपीईआर मतलब टेन्योर, इसको सिलेक्ट करेंगे ये सेल को कॉमा पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि इसको हम लोन वैल्यू भी कह लोन अमाउंट भी कह सकते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देख लीजिए ये जो है आपका ईएमआई है। अभी फाइनेंशियल फंक्शन में मैक्सिमम जो फंक्शंस का जो रिजल्ट होता है वो निगेटिव होता है। ये पीएमटी ईएमआई ईएमआई मतलब ये आपके अकाउंट से डिडक्ट होना है, इसलिए ये निगेटिव इसका रिजल्ट होता है। इसको अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है फंक्शन के पहले मतलब इज इक्वल टू के बाद आप माइनस का जो सिंबल है उसको इंसर्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट ये करना है कि अभी ये अमाउंट 4 लाख है, अगर सपोज मैं 2 लाख लोन लेता हूं तो इसका क्या होगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख और 6 लाख। हाँ, उसके बाद में ये हो गया मेरा लोन अमाउंट। और यहां पर अभी मैं देखूंगा कि ये टेन्योर ये मेरा 5 साल है, अगर यहां पर उससे कम रहता है मतलब ये अलग अलग टेबल बनेगा, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 9 और 10। और अभी ये सेल में मुझे ये जो वैल्यू है जो कैलकुलेशन किया है उसको इज इक्वल टू करके वो वैल्यू मुझे यहाँ पर पुल करना है। तो ये देख लीजिए ये यहाँ पर मैंने इसको पुल कर लिया। अभी मुझे क्रिएट ये टेबल इस तरह से क्रिएट करना है कि ये 2 लाख का अमाउंट अगर मैं ये इंटरेस्ट रेट से 3 साल के लिए लेता हूं तो उसका ईएमआई कितना होगा, या 4 साल के लिए लेता हूं तो कितना होगा, इसी तरह ये आगेगा। तो ये डेटा टेबल नाम का एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उससे ये पॉसिबल है, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है उसको जो टाइम लगता है उसकी यहां पर बचत हो जाती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये डेटा सेल पूरा ये डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है। डेटा टैब में डेटा टूल्स में व्हाट इफ एनालिसिस करके एक ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें का जो थर्ड ऑप्शन है डेटा टेबल, इसको आपको क्लिक करना है और इस तरह से यहां पर ये ऑप्शन ओपन होगा। अभी ये मांग रहा है आपको रो इनपुट सेल, मतलब आप जो है रो मतलब यहां पर हमारा लोन अमाउंट है, तो हम यहां पर क्या सिलेक्ट करेंगे, लोन अमाउंट। उसके बाद में कॉलम इनपुट सेल, मतलब यहां पर जो है ये हमने टेन्योर सिलेक्ट किया है तो हम यहां पर जो है टेन्योर का जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये देख लीजिए ये पूरा डेटा मेरे पास में यहां पर रेडी हो चुका है कि अभी 3 साल के लिए इतने अमाउंट अगर मैं लेता हूं तो उसका ईएमआई इतना होगा। इस तरह से ये पूरा डेटा सेट आपके सामने है।